हेलो भैया यार, ये किलो किलो वाले दो दूध तो बनाना है, मेहमान आए हैं। नहीं तो उसके पास चलते हैं, मीन भाई के पास चलते हैं। हाँ, मीन भाई ने तो बोला है आज के लिए, चले ना। बस हाँ, थोड़े दूध भी छोड़ो बस सही है भाई जान। सुबह मैंने यार अभी जा रहा हूँ गाँव से, ठीक है, चले मीन भाई के पास। यही है, यही है, पहले चाय बोलेंगे। हाँ करनी कहना, पहले चाय बोलेंगे खाना खिलाएगा, फिर खाने बोलेंगे। सही है, ठीक है। घंटी बजाऊ? आगे नहीं बजाओ। मोइन मोइन भाई, घंटी बजी बेटा, देखो कौन आया है, जाओ देख के आओ। भाई साहब बेटा, कैसे हो? तो ठीक है बेटा, बैठे पापा, बेटा मोइन भाई बैठे ना, बताओ उनको हम आए। अंकल वाले हैं, अंकल बुला रहे हैं, घर वाले हैं, बुलाओ उनको, बुलाओ बोलो, लेके आओ उनको। मजे में क्या हाल है? सर नहीं आ रहे, आओ बैठो बैठो। जी जी, आयो आयो, हाँ बैठो सर, बैठो। और खैर है, मजे में? और मुझ में तभी ठीक है, खैर के दिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। और आप सब खैर है, खुशी है, मजे में? बड़ा टाइम निकाल लिया यार आपने, आए माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप घर पे आए, अल्लाह खुश रखे। और खैर है सब? हाँ भाई, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। आप बताए, ठीक ठाक? मतलब ये आपकी छोटी गलती है क्या? हाँ, ये बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत छोटा है, आपकी उम्र बहुत बड़ी है भाई। हमारी उम्र छोटी है यार, अभी ये है, अभी और एक दो और बच्चे होंगे, अल्लाह देगा। हाँ, बड़ा करम है मालिक का, बड़ा शुक्र है। भाई बड़ी दूर से आया, पैदल भी आए, मुश्किलों में आपका घर बुला, पानी को पिला दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बने बेटा, जाओ पानी लेके आओ, जाओ शाबाश अंकल के लिए, पानी लेके आओ जल्दी से। वो खैर है मेरे में, ठीक ठाक। और मेरे भाई वो सब खैर। कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटा, दो बेटा, दो बेटा, दो बेटा, दो बेटा, आप छोटे हो। कितने बच्चे हैं भाई? सबसे बड़ा बेटा यही है तो अभी 6-7 साल का है, उससे पहले और 10-12 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ 10-12 बच्चे, अभी अल्लाह ने चार दो चार और होंगे इंशाल्लाह। अब दुआ करना भाई, दुआ जाएगी माशाल्लाह, अल्लाह आपको और भी बच्चे देगा, बरकत देगा इंशाल्लाह। मोइन भाई आपकी तारीफ सुनी है आप, माशाल्लाह आपका होल डे बड़ा हमने सुना है। मोइन भाई आपका बड़ा दावा है, घर पे चलता है, रुको बोलते रुको। हाँ भाई, हमें तो घर वालों ने परेशान कर दिया यार, बीवी को कहना ही नहीं, दो तीन महीने भी। ये बड़ा अल्लाह का करम है, ये आदमी के हाथ में है, वो नुस्खे हैं दो तीन, मैं दूंगा आपको नुस्खे। हाँ, ऐसे जबरदस्त नुस्खे हैं, आप उसको इस्तेमाल करें और देखें फिर आप कैसा आपका भी दावा हो जाता है, बेहतरीन। हाँ, और अभी आप चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, हुक्म करें, क्या खिदमत करें आपकी? नहीं, आप आए हो हमारे घर पे, गरीब खाने पे आए हो आप, क्या खिदमत करें आप? दे अभी चाय पी लेते हैं। हाँ, चाय चाय फिलहाल पिए, खाना खाते हैं। ठीक ठीक, आपकी तो वैसे ही घर पे ज्यादा चलती है बेटा, जाओ जाके अपने मामा को बोलो, देखे बेहतरीन किस्म की चाय बनाए, फिर खाने का मैं बताता हूँ। जाओ शाबाश बोलो, खाने का बोलो, चाय भी बनाओ। भाई चाय में तो देर है, उसके तो बता दो ना, दो तीन। हाँ, जब तक चाय आ जाए। सही, उसके क्या है यार, असल मसला आपको बताऊं ना, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपको तनख्वाह मिले कभी घर में घर वाले के हाथ में नहीं रखनी आपने, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि कभी उसको जरूरत होती है काम के लिए जाए कि 1000 रुपये मांगे आपसे कि 1000 दो, 1000 नहीं देने आपने, 500 पकड़ाना और आंखें दिखानी उसको, तो रे इसी में काम करना है, जो कुछ करो, कोई 1000 नहीं है, ठीक है? वो इसी तरीके से जो है आप उसके ऊपर रोक जा सकते हैं, तनख्वाह कभी भी नहीं देनी, ना बताना उसको कि कितनी तनख्वाह, बताओ ही नहीं उसको, जरूरत क्या है तुम्हारे को। वाह भाई वाह, वाह वाह, वाह वाह, बेहतरीन 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 यार। तो ये है मसला, ठीक है ना? मोइन भाई माशाल्लाह जबरदस्त, कोई दूसरा नुस्खा भी बताए ना हमें आप। हाँ हाँ, तो दूसरा भी कोई बड़ा आसान है, थोड़ा मजबूत रहना पड़ता है, वो ऐसे है कि आपने दोस्तों में चले गए आप रात को 11-12 बजे घूम रहे हैं, घर से टेलीफोन आया आपकी बेगम का,
भाई 10-11 बज गए अभी तक घर नहीं आए, घबराना नहीं आपने, आपने बोला बस घंटे में आ रहा हूँ, तो बजाय घंटे के 2-3 घंटे लेट जाओ, रात के 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे घर जाओ आप। जैसे आप घर जाओगे लाजिम बात वो बोलेगी, उससे पहले कि वो कुछ बोले आप उस पर चढ़े बोले मैं चाय बनाओ मैं थका हुआ हूँ, मैं वो डर जाएगी और आंखें दिखाओ जल्दी करो चाय बनाओ, इस तरीके से आप जो है ना आपका वो करना है। भाई आप जा रहे नहीं है घर पे, भाभी बुला रही है। नहीं नहीं छोटी मोटी चीजें यार, कोई मसला ही कोई नहीं, कमाल बात कर दी। तो रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। दूसरा ये है कि औरतें बड़ी वो होती हैं अपने मियां दबाने के लिए कि मैं मैके जा रही हूँ, मैं ये मैके जा रही हूँ, मेरे इधर बैठ कोई नहीं जाना है, तो इस तरीके से जो है ना वो मम्मा बोल रही है जो 3-4 बार और उतार दूं क्या।